नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर रिव्यूज एंड रेसिपीज बाय रामेश्वरी। मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो जरूर देखें। ये है IFB डिशवॉशर नेपच्यून VX और इसका जो फिल्टर रहता है वो कैसे साफ करना है, इसका डेमो आज हम देखने वाले हैं। ये है IFB डिशवॉशर नेपच्यून VX का फिल्टर। ये प्लास्टिक का है। इसे निकालने के लिए एंटी क्लॉकवाइज आपको घुमाना है इस तरह से, और साफ करने के बाद फिर से इस तरह लगा के आपको क्लॉकवाइज उसे घुमाना है। देखिए, इसे लगाना निकालना बिल्कुल ही आसान है। निकालने के लिए उल्टा घुमाइए, लगाने के लिए सीधा घुमाइए। ये देखिए, ये अब मैंने फिल्टर निकाला है। मुझे महीना हुआ है ये साफ किए हुए। आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ी गंदगी जमा हुई है। एक माइल्ड स्क्रबर लीजिए, उस पर आप बर्तन धोने का साबुन लेकर हल्के हाथ से ये जो जाली है प्लास्टिक की, उसको आप साफ कर सकते हैं। ये आसानी से साफ हो जाता है। साबुन से साफ करने के बाद फिर पानी के नीचे ये इस तरह से धो लीजिए, ये आसानी से साफ हो जाएगा। एक सावधानी हमेशा रखिए, बर्तन डिशवॉशर में डालने से पहले उसका लेफ्ट ओवर है वो हमेशा अच्छे से पहले साफ़ कर लीजिए टैप के नीचे। इसका फ़ायदा ये होगा कि फ़िल्टर जल्दी गंदा नहीं होगा, तो बार बार साफ़ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर आप लेफ़्ट ओवर बर्तनों पर छोड़ देंगे तो फ़िल्टर ब्लॉक हो जाएगा और भर भी जाएगा, जिसकी वजह से डिशवॉशिंग करते वक्त आपको एरर आ जाएगा। ये एक अच्छी आदत रहेगी अगर आप बर्तन डिशवॉशर में डालने से पहले पानी और एक हार्ड स्क्रबर से लेफ़्ट ओवर सब निकालेंगे, तो फ़िल्टर भी गंदा नहीं होगा, ब्लॉक नहीं होगा और बार बार साफ़ नहीं करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ कम समय के प्रोग्राम में कम समय और कम पानी और कम बिजली इस्तेमाल करके आपके बर्तन आसानी से साफ़ हो जाएंगे। तो ये था क्विक डेमो, फ़िल्टर साफ कैसे करना है और कैसे लगाना है और कैसे निकालना है। डिशवॉशिंग से जुड़े कोई भी और आपके सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। IFB डिशवॉशर नेपच्यून VX से जुड़े और भी वीडियोस मेरे चैनल पर अपलोडेड है। इस वीडियो के एंड स्क्रीन पर आपको मेरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहां पर क्लिक करके आप IFB डिशवॉशर से जुड़े वीडियोस देख सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, आपके व्हाट्सएप और फेसबुक पेज पर शेयर करें, और मेरे रिव्यूज, डेमोस, रेसिपीज़ पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम जल्दी ही मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिए, हंसते रहिए और देखते रहिए रिव्यूज़ एंड रेसिपीज़ बाय रामेश्वरी।